तो गिरफ्तारी वहाँ भी हुई। लाजवाब शासन ने, शासन के लोगों ने देखिए कितनी मुस्तैदी से गिरफ्तारी की है, लाइव गिरफ्तारी को शासन की देखिए, लाइव जानदारी परवाह न करते हुए प्रशासन को कूद करके शासन ने लाइव गिरफ्तारी की है, चला रही गिरफ्तारी करेगी। देखिए लाइव गिरफ्तारी हो रही है। जो आज ये थाना बढ़रगंज के रुदौली ग्राम में सुबह 7 बजे ये डोना डी की तरफ से कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आ रहे थे रुदौली गांव में। जब उनके द्वारा जो ट्रैक्टर ट्रॉली यहां पर निकाला जा रहा था तेज स्पीड से, उनको रोका टोका गया, तो इसी पे वो आमादा फौजदारी हुए। उनके द्वारा अपने और साथियों को भी गाँव से फ़ोन करके बुलाया गया। वो लोग आकर के यहाँ पर विवाद करने लगे, हमलावर हुए। इसी बीच उन्हीं में से एक व्यक्ति द्वारा यहां पर फायर किया गया, जिसमें कि ग्राम रुदौली के राजकिशोर जो यहीं के रहने वाले हैं उनको गोली लगी, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। यहां पर घटनास्थल का निरीक्षण हमारे द्वारा और सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है। यहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके द्वारा इस घटना के संबंध में पूरा विवरण दिया गया है। इस घटना के संबंध में मृतक के परिवारजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें हमला करने वाले और घटना को पारित करने वालों को नामजद किया गया है। तत्काल इस तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया है। अभियुक्तों के संबंध में लगातार जो टीमें हैं वो सुबह से ही दबिश दे रही हैं। इसमें हमारी क्राइम ब्रांच SOG और SWAT को भी लगाया गया है। अभियुक्तों के संबंध में अन्य जानकारियाँ प्राप्त की जा रही हैं। यहाँ पर घटना के संबंध में भी एविडेंसेस इकट्ठा की जा रहे हैं। जो CCTV यहाँ पर जो लगे हैं उनकी वीडियो भी इसमें देखी जाएगी, और इसके आधार पर सभी साक्षियों के आधार पर जिनके द्वारा भी इस घटना को पारित किया गया है उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी, और आने वाले दिनों में इनके ऊपर गैंगस्टर और NSA की कार्रवाई। सर, यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो लोग बता रहे हैं कि भाई मिट्टी खनन का यहाँ पे कारोबारी लगभग दो हफ्ते से हो रही है, इस संबंध में रॉयल्टी भी नहीं है। इस संबंध में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, अभियुक्तों की जो भी गतिविधियाँ इस घटना के पूर्व रही हैं या इस घटना के पूर्व क्या परिस्थितियाँ बनी हैं, उन सबकी विस्तृत जाँच यहाँ पर SP साउथ साहब और CO गोला के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा की जाएगी। अन्य माध्यमों से भी जानकारी की जा रही है। इनकी जो भी परिस्थितियां सामने आएंगी इस घटना के साथ साथ और भी अगर अवैध गतिविधियों में अभियुक्त लिप्त हैं तो उसके ऊपर भी बहुत सख्त और बहुत कठोर कार्रवाई इसके ऊपर की जाएगी। सर, मुख्यमंत्री जी।